खा गणिसा, मेरा नाम है आरती चौहान और कुक विद एपीके में आप सबका स्वागत है। आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज की रेसिपी में लेके आई हूँ साबूदाने की खीर। वो भी हम बनाएंगे चूल्हे पर और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आधी कटोरी साबूदाने। साबूदाने को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है जिससे इसके ऊपर जो वाइट वाइट पानी होता है वो हट जाएगा, धूल मिट्टी हट जाएगी। और ध्यान रहे कि हमें इन्हें रगड़ रगड़ के नहीं धोना है, बस हल्के हाथों से साफ करना है। साबूदाने को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हमें इसमें डालना है पानी। पानी थोड़ा सा डालें जिसमें साबूदाने अच्छे से डूब जाए और आधे घंटे के लिए हमें इन्हें ढककर रखना है जिससे साबूदाने थोड़े गल जाएंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ली है केसर, उसमें दूध डाल देंगे और रख देंगे जिससे केसर का कलर अच्छे से आ जाएगा। आधा घंटा हो गया है, अब हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे मिट्टी की भांडी। अगर आपके पास जो बर्तन हो आप उसमें बनाएं, आप चाहे तो गैस पर बनाएं या चूल्हे पर, लेकिन आप चूल्हे पर ज़रूर बनाएं, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले पानी डालना है जिससे दूध चिपकेगा नहीं नीचे, और फिर डालेंगे हम दूध। दूध को अच्छे से गर्म करना है, एक उबाल आए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। दूध हमारा गर्म होगा तब तक जो हमने ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी डालने हैं उनको आप अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स को पहले धो के डालें, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, खुले मिलते हैं इसलिए। मैंने यहाँ पर दाख, बादाम और काजू लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और बादाम के आप छोटे छोटे टुकड़े कर दें जिससे दिखने में बहुत अच्छी दिखेगी। अब जो साबूदाने हमने भिगो के रखे थे उनमें जो एक्स्ट्रा पानी है ऊपर उसको हम निकाल देंगे। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें उबाल आने लग गया है, तो अब हम इसमें जो साबूदाने हमने भिगो के रखे हैं वो डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे साबूदाने हमारे नीचे चिपक ना जाए। मैं बना रही हूँ चूल्हे पर, तो दूध जल्दी गर्म होते ही उफनने लगता है, तो हमारे यहाँ पर एक बार उफन गया है तो आप ध्यान रखें। अब हमने जो केसर भिगो के रखी है दूध में इसे अच्छे से मिक्स कर खीर में डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। केसर से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा लगता है, अगर घर पर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें। साबूदाने हमारे लगभग पक गए हैं, अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं धो कर रखे हैं वो डाल देंगे, और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में फ्राई करके फिर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह के पसंद है तो मैं अभी डाल रही हूँ। और अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं इसमें। खीर हमारी अच्छे से पक गई है, अब सबसे लास्ट में हमें डालनी है शक्कर। शक्कर को आप एक उबाल आने तक अच्छे से पकाएं। खीर को थोड़ी देर मैंने ढककर रख दिया है जिससे खीर थोड़ी हमारी गाढ़ी पड़ जाएगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तैयार है हमारी साबूदाने की खीर, आप इसे ठंडा कर खाएं, बहुत अच्छी लगेगी, या आपको पसंद हो गरम खाना तो गरम खाएं। तो ये है आज की रेसिपी हमारी, आप व्रत में खाएं या आप ऐसे ही बनाकर खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कैमरे की वजह से थोड़ी वाइट दिख रही है लेकिन केसर की वजह से पीला कलर है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।